हेलो दोस्तों, कल के दिन आपने अच्छी एक मूवमेंट देखी जो अडानी की रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर सबने देखा होगा कि ये इसकी रिपोर्ट के बारे में ये देखिए दोस्तों, ये पब्लिश हुई थी 24 जनवरी 2023 को, और अगर आप हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो इसमें आपको एक सही फ़ायदा भी हुआ होगा, क्योंकि जब हमने इस स्कैंडल के बारे में आपको बताया था और एक जब एंट्री दिखाई थी एज अ स्विंग ट्रेडर को, ये ट्रेड कौन लेते हैं, जब मैंने बोला था कि ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, तो ये ट्रेड जो है स्विंग ट्रेडर लेते हैं। जो ट्रेडर स्विंग करते हैं मतलब एक दिन से 10 दिन के या 20 दिन के आसपास से, एक दिन से 20 दिन तक जो होल्ड रखते हैं वो स्विंग ट्रेडर करते हैं, जो 20 दिन तक अपना होल्ड रख के रखते हैं ओनली फॉर इंडेक्स के अंदर, और अगर स्विंग करनी है तो 5 दिन से 40 दिन के आसपास तक की स्विंग एक स्टॉक में आराम से की जा सकती है, 40 दिन तक उसे एक होल्डिंग पर ला कर रखा जा सकता है। और यहाँ पर देखेंगे कि मूविंग एवरेज ने, ये जो 5 AM है, इसने एंट्री दे दी थी यहाँ पर, और उसी दिन कुछ एक क्वांटिटी एज अ डेली टाइम फ्रेम। देखिए, जब आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही उसका स्टॉप लॉस होता है। मान लीजिए आपने अभी डेली का स्टॉप लॉस, डेली है ये, और इसका स्टॉप लॉस जो रखा गया था वो एक डाउन ट्रेंड क्रॉस होने के बाद इसका हाई रखा गया था, और ये जो जोन था इस जोन के अंदर अपनी क्वांटिटी, अगर ये यहाँ से अगर अगले दिन ये जो रेड कैंडल है ये ना होती और अपसाइड जाती मार्केट, तो यहाँ पर आकर हम अपनी क्वांटिटी लूज करना मतलब काटना शुरू कर देती इस जोन के अंदर। हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ऐसे ही काम करते हैं कि अगर ये पहले जोन बना लिया, इस जोन के अंदर जैसे ही मार्केट आई और उसमें से अपनी क्वांटिटी को लूज करते रहते हैं, हल्की फुल्की क्वांटिटी को स्टॉप लॉस के लिए रखा जाता है, इवन द ब्रेक इवन पर हम निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और जैसे ही आप सभी ने देखा होगा कि ये इसका लो क्रॉस किया इसने, बट इसका हाई भी क्रॉस किया, तो SL का जोन बनाया हमने, और जब ये कैंडल स्टिक पूरी फॉर्मेशन बनी, तो एज अ स्विंग ट्रेडर मान लीजिए 50 क्वांटिटी हमने यहाँ पर ली, अपनी लेने की क्षमता से जितनी हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जितना हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है उस हिसाब से हमने थोड़ी कम क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी है या उससे भी कम क्वांटिटी हमने इस डेट को ली, और आगे चलकर जब इसने कंफर्म कर दिया कि ये ट्रेंड डाउन जाएगा, तब यहाँ से जब इसने ये क्रॉस करना शुरू किया, इसका लो क्रॉस करना शुरू किया, तब हमने और एंट्री जो है इसके अंदर एग्जीक्यूट की। समझ रहे हैं आप, और एंट्री एग्जीक्यूट करने के बाद जो यहाँ पर इसका SL था वो हमने इसका SL यहाँ पर एक जहाँ पर नई एंट्री बनी थी वहाँ पर हमने इसका स्टॉप लॉस रखा, और पूरे इसको एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद इस मार्केट के अंदर हमने पूरा ये रैली यहाँ तक की जो है देखने को मिली दोस्तों। और यहीं पर, और उसके बाद दोस्तों जैसे ही हमें पता चला कि हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट आई है अडानी की इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो उसके शेयर जो है डाउन ट्रेंड में चलने जा रहे हैं, और ये वो ही दिन था जब आप अगर देखेंगे 24 तारीख, और ये भी जो है ये 24 तारीख को ही मार्केट ने अपना मोमेंट जो है डाउन ट्रेंड का बना लिया था, और इस ट्रेंड के अंदर हम कुछ एक शेयर्स के अंदर, कुछ एक जो शेयर आप समझ सकते हैं उन शेयरों के अंदर हमने एक पुट साइज पोजीशन जो है बना ली थी, पुट
पुट साइड पोजीशन जो है बना ली थी, और उन पोजीशनों को हम सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से एक डाउन ट्रेंड में लेते चले गए, और हल्का फुल्का जितना हमारा प्रॉफिट हम जितना मतलब जितना परसेंटेज हमें एक शेयर के अंदर से चाहिए हमने उतना परसेंटेज लिया और उसके बाद हमने एग्ज़िट कर दिया। और अगर हम कल की बात करें तो कल दोस्तों यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ली गई, जितनी क्वांटिटी थी वो सारी क्वांटिटी हमने इस डे के अंदर वो लूज आउट मतलब निकाल दी, क्योंकि क्या था एक्सपायरी नज़दीक थी, एक्सपायरी नज़दीक होने के कारण यहाँ पर इस डे वाली कैंडल के अंदर ये इस डे की कैंडल के अंदर हमें डर था कि प्रीमियम डीके हो जाएगा। और एक बजट रैली की जो हम बात कर रहे थे बजट रैली के बारे में, तो वो बजट रैली अप ट्रेंड में आ सकती है या फिर डाउन ट्रेंड में आ सकती है ये किसी को नहीं पता होता, बट यहाँ पर हमें देखने के लिए ये डाउन ट्रेंड के अंदर मिली। और इस बजट रैली के अंदर हमने अपनी पूरी पोजीशन, जब मैंने देखा कि इस दिन के अंदर एक ऑप्शन इतना हाई प्राइस में पीई मिल रहा था कि 39,700 का जो पीई था वो इस दिन पर मतलब 24 तारीख को उसका कॉस्ट था, इसका कॉस्ट था यहाँ पर 30 रुपये या फिर 40 रुपये के आसपास, और जब वो 25 को यहाँ पर खुलता है, ये 25 तारीख है ना, एक मिनट में, ये 27 को जब ये खुलता है, 27 को जब ये ओपनिंग होता है, तब वही स्ट्राइक प्राइस हमें 300 से 350 के आसपास देखने के लिए मिलता है। और जो हमने ले रखी थी स्ट्राइक प्राइस पहले ही वो 42,000 की थी, 42,400 के आसपास की थी, 42,300 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अंदर हमने अपनी पोजीशन बनाई हुई थी पिछले 2 दिन के अंदर। कुछ जो पुरानी पोजीशन थी वो निकालते चले गए, नई पोजीशन बनाते चले गए। ये काम जो किया हमने पूरा का पूरा डेली टाइम फ्रेम में, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमारे दूसरे चैनल के ऊपर हम अपडेट करते रहते हैं कि कैसे आप हर एक टाइम फ्रेम के अंदर अपना हर एक अलग सिस्टम कैसे लगा सकते हैं, वो उस बारे में मैंने दूसरे चैनल के ऊपर बताया है। तो जो दूसरे चैनल के ऊपर जाना चाहते हैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने ये ईजाद किया। और अगर हम बात करें अपनी डेली स्ट्रेटजी की, 5 AM स्ट्रेटजी 30 पॉइंट्स, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले दो दिन से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। बट हाँ दोस्तों, इससे पिछले दिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आई तब ये जो कैंडल था, बिल्कुल आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो एक कैंडल आपने यहाँ पर देखा, ये कैंडल, इस कैंडल के अंदर ऑप्शन की पुट का प्राइस जो था, हम कितने पॉइंट डेली गेन करते हैं 30 पॉइंट, बट यहाँ पर 30 पॉइंट नहीं मिले, यहाँ पर 30 पॉइंट देखने का मौका तक नहीं दिया ऑप्शन के पुट ने। और ये जब डाउन ट्रेंड में चलने लगा तब इसने यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट बिना पूछे ही दे दिए, क्योंकि यहाँ पर एंट्री बनी और जैसे ही हमने बाय किया पुट का प्राइस एकदम से शार्प मतलब 30 रुपये से एकदम से भागने लगा, और एक कैंडल के अंदर उसने 70 से 80 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पर आराम से दे दिए थे। तो ये एक डाउन ट्रेंड की मार्केट में हुआ था, क्योंकि एक बड़ी रेड कैंडल का भी कुछ कमाल हो सकता है। और उससे पिछले दिन जब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी। ये देखिए दोस्तों, जो आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने किसकी क्या सोच समझकर हमने ऐसा लगाया था और क्या नहीं कुछ किया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर दे देते हैं, आप चाहे ऐसा लगाएं चाहे उस पर अपना एकदम
एग्जिट ऑर्डर लगाएं तो ये आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे मल्टीपल चार्ट। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।